नमस्कारम दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे विचार, हमारी सांसें, हमारे खून की गति, हमारे हृदय की धड़कन, हमारे शरीर पर उत्पन्न होने वाली सभी संवेदनाएं कैसे एक दूसरे से बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जुड़ी हुई हैं। इनमें से हम किसी भी एक में कोई परिवर्तन करते हैं तो और बाकी में अपने आप ही परिवर्तन होने लगता है। पिछले हम कई वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं कि हर विचार जो हमारे भीतर उत्पन्न हो रहा है उसके साथ में उसकी एक तरंग है जिसको लेकर वो उत्पन्न होता है, और उस तरंग की एक फ्रिक्वेंसी है, और जब वो उत्पन्न होता है तो उसे संवेदनाओं के रूप में हम इस शरीर पर महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारे भीतर कोई सुखद विचार उत्पन्न हुआ, हमें याद आया कि वो चीज़ हमें मिलने वाली है भविष्य में, कोई बहुत अच्छी चीज़ हमारे पसंद की, तो कहते हैं ना पूरे शरीर में एकदम तरंगे ही तरंगे दौड़ गई। किसी की याद आई हमें कि उसने हमें उस समय गाली दी थी, विचार आया और पूरे शरीर में एक बेचैनी की तरंगे उत्पन्न हो गई। जब हम संवेदनशील होने लगते हैं शरीर के प्रति तो हमें महसूस होने लगता है शरीर पर जो दर्द प्रकट हो रहे हैं, शरीर पर कहीं खुजलाहट हो रही है, कहीं झुंझुनाहट हो रही है, कहीं हम देखते हैं कि कुछ रेंग रहा है, ये सारी संवेदनाएं हैं। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि विचार, सांसें, खून की गति, हृदय की धड़कन कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मान लो हम अभी एक क्रोध का विचार उत्पन्न करते हैं और हम देखेंगे कि हमारी सांसों की गति में तुरंत बदलाव हो गया। क्या हुआ? क्रोध किया और सांसों में बदलाव हो गया। अब हमारे इस सांसों में बदलाव से हमारे खून की गति में भी बदलाव हो जाता है। और अब यदि हम देखें कि कोई विचार चल रहे हैं जिनसे हम चिंताग्रस्त हैं, तनाव में हैं, और हम अपनी सांसों की गति को बदलें, यदि हम प्राणायाम या आलोम विलोम या कैसे भी अपनी सांसों की गति को बदलते हैं तो हम देखेंगे कि तुरंत ही उन विचारों में परिवर्तन होने लगा। तो यहाँ पर विचार बदलने से सांसों की गति में बदलाव हुआ, सांसों की गति में बदलाव करके हमने विचारों को बदल लिया। और यदि किसी का बीपी लो हाई हो गया है और कोई डॉक्टर उसे टैबलेट देता है तो उसके ब्लड में बदलाव होता है, और जब ब्लड में बदलाव होता है तो जिस चिंता, जिस भय से, जिन विचारों से उसके बीपी लो हाई हुआ था, ब्लड में बदलाव हुआ था, वो ब्लड में बदलाव करने से उसके विचारों में बदलाव कर देता है। इस तरीके से एक दूसरे के बदलाव से सब कुछ बदल रहा है। वर्तमान में जो हमारी स्थिति है वो हमारे भीतर जो संस्कार हैं वो संस्कार अपनी तरंगों के साथ में विशेष प्रकार के कंपन लिए हुए उत्पन्न हो रहे हैं, और उसी प्रकार से हृदय की गति चल रही है, उसी प्रकार से सांसें चल रही हैं, उसी प्रकार से ब्लड की गति चल रही है, ब्लड हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। तो हम देखते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के मंत्र होते हैं और उन मंत्रों की विशेष प्रकार की टंकार होती है, और वो विशेष प्रकार की टंकार विशेष प्रकार के कंपनों को पैदा करती हैं। जैसे बड़ी बड़ी टंकार जिन मंत्रों की है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं, इस तरीके के जो मंत्र हैं इनकी टंकार बहुत ज़्यादा हैं, और इनका जप बार बार यदि उत्पन्न किया जाए तो क्या होगा कि अभी जो हमारे भीतर तरंगें चल रही थीं वो जिस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे, जो संस्कार संचित थे, उस हिसाब से सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब ये बाहर से तरंगें पैदा की गई तो जो पहले की तरंगें थीं वो दब जाती हैं क्योंकि उनके कंपन कम हैं और ये अधिक कंपन लिए हुए हैं, तो इनकी तरंगों से हमारा शरीर तरंगित होने लगता है और हमें क्या लगता है कि हमें शांति महसूस होने लगी, लेकिन ये शांति भी आर्टिफिशियल है, बनाई हुई है। तो यही काम नशा करते हैं कि नशा क्या करता है कि जो वर्तमान में हमारी स्थिति है, जिन संस्कारों से तरंगें उत्पन्न हो रही थीं, जिन विचारों से तरंगें उत्पन्न हो रही थीं, उनको दबा देता है और विशेष प्रकार की अपनी तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं। तो बहुत सूक्ष्म संवेदनाएँ पूरे शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं और हम थोड़ी देर के लिए बहुत शांति महसूस करते हैं, लोग बहुत सुकून महसूस करते हैं, लेकिन ये सुकून वैसा ही है जैसे किसी बच्चे के सामने
सांप आ जाए और वो अपनी आंखें बंद कर ले और उसे लगे कि अब हम सांप से बच गए, लेकिन वास्तव में अब सांप से बचा नहीं है, अब उसने और खतरा पैदा कर लिया क्योंकि अब सांप और फन उठा करके खड़ा हो गया है। तो जितने हम सहारे लेते हैं, चाहे वो नशा का हो, चाहे भजन पूजन संकीर्तन का हो, ये सभी सहारे हमें बेहोश करने के लिए हैं, क्योंकि ये विशेष प्रकार की तरंगें उत्पन्न कर देते हैं और हमें लगता है कि अब हम जो वर्तमान में हमारे संस्कारों से तरंगें उत्पन्न हो रही थीं, दुखद संस्कार थे तो दुखद तरंगें और सुखद कोई संस्कार थे तो वो सुखद सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न हो रही थीं, लेकिन वो सब क्रिएटेड था और क्रिएटेड जो है वो ख़त्म होता जाता है। तो हमें कुछ भी आरोपित नहीं करना है, क्रिएटेड नहीं करना है, वरना जो असलियत में है उसे हम नहीं जान पाएंगे और एक बेहोशी में जीने की हमारी आदत हो जाएगी। धन्यवाद।